जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सीओम एनसीसी नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीसी के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं, जो कि एनसीसी ए बी व सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप लोगों से निवेदन है कि जो भी हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम एनसीसी ए बी सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न को। प्रश्न है हमारा, आदर्श नागरिक के किन्हीं चार गुणों को लिखिए। तो आदर्श नागरिक के कोई चार गुण हैं, उत्साह, आत्मसंयम, जागरूक और उत्तम स्वास्थ्य। हमारा अगला प्रश्न है, अनुशासन के दो प्रकार कौन से हैं। अनुशासन के दो प्रकार कौन से हैं? उत्तर है, व्यक्तिगत अनुशासन और सामूहिक अनुशासन। हमारा उत्तर है, व्यक्तिगत अनुशासन और सामूहिक अनुशासन। अगला प्रश्न, किन्हीं चार प्रकार के नागरिक सुरक्षा सेवाओं के नाम लिखिए। उत्तर है, बचाव सेवा, प्रशिक्षण सेवा, यातायात सेवा और अग्निशमन सेवा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, आग बुझाने के लिए आवश्यक किन्हीं चार वस्तुओं के नाम लिखिए। आग बुझाने के लिए आवश्यक किन्हीं चार वस्तुओं के नाम लिखिए। उत्तर है, सोडा, अम्ल का उपकरण, फायर बीटर और पानी की बाल्टी। ये सब आग बुझाने के आवश्यक उपकरण हैं। अगला प्रश्न, हवाई हमले का संकेत किस प्रकार दिया जाता है। तो हवाई हमले का संकेत किस प्रकार दिया जाता है? 2 मिनट तक रुक रुक कर सायरन या सीटियों को धीमे स्वर में बजाया जाता है। 2 मिनट तक रुक रुक कर सायरन या सीटियों को धीमे स्वर में बजाया जाता है। अगला प्रश्न है, एनसीसी कैडेट्स द्वारा किए जाने वाले किन्हीं चार सामाजिक कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो एनसीसी कैडेट द्वारा किए जाने वाले चार सामाजिक कार्य, रक्तदान, वृक्षारोपण, प्रौढ़ शिक्षा, आपदा राहत कार्य। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब की गई थी? उत्तर है, मई 1988 में। उत्तर है, मई 1988 में। अगला प्रश्न, किन्हीं चार साहसिक गतिविधियों के नाम लिखिए। तो कोई चार साहसिक गतिविधियां हैं, साइकिल यात्रा, ट्रैकिंग, पैराशूट से कूदना, पाल नौकायन, जो ये सब कार्यक्रम एनसीसी के दौरान कराए जाते हैं। किन्हीं तीन प्रकार की गांठों के नाम लिखिए। तो अंगूठा गांठ, दोहरी गांठ और ध्रुव गांठ। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो प्रकार के बंधनों के नाम लिखिए। कोई दो प्रकार के बंधन हैं, समांतर बंधन तथा वर्गाकार बंधन। अगला प्रश्न है, LMG फायर ट्रेंच की बाहर की लंबाई कितनी होती है। LMG फायर ट्रेंच की बाहर की लंबाई कितनी होती है? तो बाहर की लंबाई 6 फीट होती है। अगला प्रश्न, बारूदी सुरंग के किन्हीं दो प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है, एंटी पर्सनल माइन और एंटी टैंक माइन। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो प्रकार की बाधाओं का उल्लेख कीजिए।
उत्तर है पैदल सेना बाधा, वाहन और टैंक बाधा। अगला प्रश्न, राइट हैंड वॉल्ट की भूमि से ऊंचाई लिखिए। तो राइट हैंड वॉल्ट की भूमि से ऊंचाई 3 फीट 6 इंच है। अगला प्रश्न, संचार की दो विधियों के नाम लिखिए। तो संचार की दो विधियां हैं असंस्थागत एवं संस्थागत। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के दो प्रकारों के नाम लिखिए। तो कंप्यूटर के दो प्रकार अनुरूप कंप्यूटर तथा अंकीय कंप्यूटर। अगला प्रश्न, भूमि से आकाश में 15 किलोमीटर तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो 15 किलोमीटर क्षेत्र को ट्रोपोस्पियर कहा जाता है। अगला प्रश्न, चुंबकीय संकेतों पर कार्य करने वाले संचार माध्यम को क्या कहा जाता है। तो चुंबकीय संकेतों पर कार्य करने वाले माध्यम को टेलीफोन सेट कहा जाता है। अगला प्रश्न, केबल मीडिया मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है। तो केबल मीडिया कितने प्रकार का होता है। नंबर 1 कोएक्सियल केबल, नंबर 2 ट्विस्टेड पेयर केबल, नंबर 3 फाइबर ऑप्टिक्स केबल। अगला प्रश्न है, किन्हीं 5 गुणों के नाम लिखिए। किन्हीं 5 पुराणों के नाम लिखिए। उत्तर है विष्णु पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, स्कंद पुराण, नंबर 5 मत्स्य पुराण। 81 प्रश्न है, गुप्त वंश के किन्हीं 3 शासकों के नाम लिखिए। उत्तर है समुद्रगुप्त, नंबर 2 चंद्रगुप्त, नंबर 3 स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न, किस मुगल वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। उत्तर है शाहजहां। मौर्य वंश के प्रमुख शासक का नाम लिखिए। तो मौर्य वंश के प्रमुख शासक का नाम पुलकेशिन प्रथम है। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 1563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था। तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म सऊदी अरब के मक्का नगर में हुआ था। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव थे। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। तो स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार यह नारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो औरंगाबाद के निकट महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप का जन्म कब और कहाँ हुआ था। उत्तर है 9 मई 1540 ईस्वी चित्तौड़ में हुआ था। अगला प्रश्न, भारत में एनसीसी के कितने निदेशालय हैं। भारत में एनसीसी के कितने निदेशालय हैं। तो उत्तर है 17 निदेशालय हैं। एनसीसी में पदोन्नति के कौन कौन से स्तर हैं। एनसीसी में पदोन्नति के कौन कौन से स्तर हैं जिसे हम एनसीसी में रैंक कहते हैं। तो इसका उत्तर है 1 लांस कॉर्पोरल, 2 कॉर्पोरल, 3 सार्जेंट, 4 अंडर ऑफिसर, 5 सीनियर अंडर ऑफिसर। अगला प्रश्न, वायुसेना में सर्वोच्च स्तर के अधिकारी को क्या कहते हैं। तो वायुसेना में सर्वोच्च स्तर अधिकारी को एयर चीफ मार्शल कहते हैं। अगला प्रश्न,
भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेना प्रमुख कौन होता है? तो भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च प्रमुख सेना भारत का राष्ट्रपति होता है। प्रथम भारतीय मेजर जनरल कौन थे? तो प्रथम भारतीय मेजर जनरल फील्ड मार्शल KM करियप्पा थे। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था? तो सर्वप्रथम मेजर सोमनाथ शर्मा को 1947 में इनके मरणोपरांत प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, NCC में किन दो शस्त्रों का प्रशिक्षण मुख्य रूप से दिया जाता है? तो NCC में प्रशिक्षण देने वाले दो शस्त्र हैं, नंबर एक 0.303 इंच बोर राइफल, नंबर टू 0.22 इंच बोर राइफल का प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला प्रश्न, 5.56 mm इंसास राइफल की प्रभावी रेंज क्या है? तो उत्तर है 400 मीटर। 7.62 mm SLR राइफल फायरिंग की तीव्र दर कितनी है? तो 60 राउंड प्रति मिनट है। अगला प्रश्न, मानचित्र पर अपनी स्थिति ज्ञात करने की कौन सी प्रमुख विधियां हैं? उत्तर है, नंबर एक निरीक्षण द्वारा, नंबर दो कंपास द्वारा, नंबर तीन निरंतर मानचित्र अवलोकन द्वारा। अगला प्रश्न है, फील्ड सिग्नल्स प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है, हाथों द्वारा संकेत, शस्त्रों द्वारा संकेत, सीटी द्वारा संकेत। अगला प्रश्न है, सीटी द्वारा संकेत कब दिए जाते हैं? सीटी द्वारा संकेत कब दिए जाते हैं? उत्तर है, नंबर एक खतरा होने पर, नंबर दो सतर्क करने के लिए, नंबर तीन शत्रु बीमार विमान आने पर, नंबर चार शत्रु विमान जाने पर। अगला प्रश्न है, क्षेत्र रक्षण के दो प्रकार कौन से हैं? उत्तर, नंबर एक त्वरित रक्षण, नंबर दो सुविचारित रक्षण। अगला प्रश्न है, क्षेत्र अभियांत्रिकी के प्रमुख औजार कौन से हैं? उत्तर है, नंबर एक कुल्हाड़ी, नंबर दो बेलचा, नंबर तीन गैंती, नंबर चार हथौड़ा, नंबर पाँच क्रोबार। अगला प्रश्न, गैंती द्वारा खुदाई करते समय कौन से प्रमुख आदेशात्मक शब्द बोले जाते हैं? तो उत्तर है, तैयार, मारो, भरो, घुमाओ, फेंको आदेश दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बारूदी सुरंगों को बिछाने की दो विधियां लिखो। तो बारूदी सुरंगों को बिछाने की दो विधियां, नंबर एक पट्टी विधि तथा नंबर दो छिड़काव विधि। अगला प्रश्न, मानव निर्मित उपग्रह कौन से हैं? मानव निर्मित उपग्रह कौन से हैं? उत्तर है, संचार उपग्रह, नंबर दो मौसम उपग्रह, नंबर तीन वैज्ञानिक उपग्रह, नंबर चार सैन्य उपग्रह, नंबर पाँच दिग्दर्शक उपग्रह। अगला प्रश्न है, चरित्र निर्माण के प्रमुख गुण कौन से हैं? तो चरित्र निर्माण के प्रमुख गुण, उत्तर है, नंबर एक कर्तव्य की भावना, नंबर दो साहस, नंबर तीन अनुशासन, नंबर चार उत्साह, नंबर पाँच नैतिकता, नंबर छः निष्ठा। अगला प्रश्न, योग के प्रमुख अंग कौन से हैं? तो योग के प्रमुख अंग, नंबर एक यम, नंबर दो नियम, नंबर चार आसन, नंबर पाँच नंबर तीन है आसन, नंबर चार प्राणायाम, नंबर पाँच प्रत्याहार, नंबर छः धारणा,
नंबर 7 ध्यान व समाधि। अगला प्रश्न, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते, किसका आदर्श वाक्य है? तो ये आदर्श वाक्य क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब और किसके द्वारा की गई? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा की गई। अगला प्रश्न, वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद एवं अथर्ववेद। अगला प्रश्न, पल्लव वंश की स्थापना कब और किसने की थी? तो पल्लव वंश की स्थापना 575 से 600 ईस्वी में सिंह विष्णु ने की थी। अगला प्रश्न, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो उत्तर है मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न, भारत में मुगल वंश की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई? भारत में मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा हुई। अगला प्रश्न है, शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें कौन सी हैं? तो शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, ताजमहल इत्यादि। खालसा पथ के संस्थापक कौन थे? तो खालसा पथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिसकी स्थापना 1675 से 1708 ईस्वी में हुई। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किस विदेशी द्वारा की गई थी? तो भारत में समुद्री मार्गों की खोज वास्को डी गामा द्वारा की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1664 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर सन 1906 को ढाका में नवाब सलीमुल्ला खां एवं आगा खां के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति किसे बनाया गया? तो आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति सुभाष चंद्र बोस को अक्टूबर 1943 ईस्वी में बनाया गया। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब और कहाँ चलाई गई थी? भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब और कहाँ चलाई गई थी? तो उत्तर है 16 अप्रैल 1853 को बंबई और थाड़े के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर भारत में, जो कि 1355 मीटर लंबा है। अगला प्रश्न, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? तो 1911 ईस्वी में। महाकालेश्वर का मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? तो महाकालेश्वर का मंदिर भारत में उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न,
भारत के प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम है? भारत में प्रथम समाचार पत्र का नाम बंगाल गजट 27 जनवरी 1780, इसका नाम है बंगाल गजट। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश श्रीमती एम फातिमा बीबी थी। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय विमानवाहक पोत का क्या नाम है? INS विक्रांत, उत्तर है INS विक्रांत। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय पुरुष अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय पुरुष अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, जो 3 अप्रैल 1984 में गए थे। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है, जिसका क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, महाभारत नामक महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? तो महाभारत नामक महाकाव्य के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। अगला प्रश्न, भारत रत्न सम्मान की स्थापना कब हुई? भारत रत्न सम्मान की स्थापना कब हुई? तो उत्तर है 1954 ईस्वी में भारत रत्न सम्मान की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का कुल अनुमानित क्षेत्रफल कितना है? पृथ्वी की सतह का कुल अनुमानित क्षेत्रफल 51,01,448 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे कम आबादी वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे कम आबादी वाला देश वेटिकन सिटी, जिसकी आबादी 2016 में सिर्फ 840 लोग थे बस। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? तो उत्तर है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री का निवास स्थान कहाँ है? उत्तर है 7 रेस कोर्स रोड, नई दिल्ली। अगला प्रश्न, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अमेरिका देश का सर्वोच्च सम्मान है। अगला प्रश्न, विश्व का प्रथम पुरुष अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन भूतपूर्व सेवावियत सोवियत संघ अप्रैल 1961। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेलवे 9,438 किलोमीटर लंबी है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? विश्व का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? तो उत्तर है हिंदू धर्म। अगला प्रश्न है, वॉल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न, अमेरिका
की संसद का क्या नाम है? तो अमेरिका की संसद का सीनेट नाम है, सीनेट। अगला प्रश्न, भारत की गुप्तचर संस्थाओं के क्या नाम है? तो भारत की गुप्तचर संस्थाएं हैं, नंबर एक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे RAW कहते हैं। नंबर दो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे CBI कहते हैं। नंबर तीन इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे IB कहते हैं। अगला प्रश्न, जेट इंजन के आविष्कारक कौन हैं? तो जेट इंजन के आविष्कारक सर फ्रैंक विटल, जो ब्रिटेन में रहते हैं, इसका आविष्कार सन 1937 में हुआ। अगला प्रश्न, मशीन गन का आविष्कार किसने और कब किया था? तो मशीन गन का आविष्कार जेम्स पकले ब्रिटेन 1718 में किया था। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन हैं? तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता हेनरी कैवेंडिश, जो इंग्लैंड और 1766 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। अगला प्रश्न, यूरेनियम के खोजकर्ता का नाम लिखो। तो यूरेनियम के खोजकर्ता का नाम मार्टिन क्लेप्रोथ, जर्मनी 1789 में इसकी खोज हुई थी। AHQ का पूरा नाम क्या है? AHQ का पूरा नाम क्या है? तो AHQ का पूरा नाम आर्मी हेडक्वार्टर्स है। AHQ का पूरा नाम आर्मी हेडक्वार्टर्स है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोग इतना सा सपोर्ट कर दीजिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। CEO का पूरा नाम क्या है? तो CEO का पूरा नाम कमांडिंग ऑफिसर है। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, अमेरिका में, जो 21 जुलाई 1969 को पहुंचे थे। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं कौन सी हैं? तो विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं हैं, नंबर एक चीनी, नंबर दो स्पेनिश, नंबर तीन अंग्रेजी, नंबर चार हिंदी, नंबर पाँच अरबी, नंबर छः पुर्तगाली। अगला प्रश्न, पर्ल ऑफ द ऑरिएंट किसका भौगोलिक उपनाम है? तो ये भौगोलिक उपनाम सिंगापुर का है। अगला प्रश्न, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 8 सितंबर को। अगला प्रश्न है, भ्रमजनक नशीले पदार्थ के नाम लिखिए। तो उत्तर है भांग, चरस, गांजा, नंबर दो हशीश, नंबर तीन LSD और मेस्केलिन, नंबर चार मारिजुआना। अगला प्रश्न है, मनरेगा का पूरा नाम क्या है? तो मनरेगा का पूरा नाम, उत्तर है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम मनरेगा कहते हैं, जिसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब और किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार के तीन प्रमुख कारण कौन से हैं?
भ्रष्टाचार के तीन प्रमुख कारण कौन से हैं? तो उत्तर है, नंबर एक, प्रभावी कानून की कमी, नंबर दो, नैतिकता का पतन, नंबर तीन, भुखमरी, गरीबी एवं बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, बाल शोषण के प्रमुख चार प्रकार कौन से हैं? तो बाल शोषण के प्रमुख चार प्रकार कौन से हैं? नंबर एक, शारीरिक शोषण, नंबर दो, भावनात्मक शोषण, नंबर तीन, यौन शोषण, नंबर चार, सुविधाओं का अभाव। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के प्रमुख मार्ग कौन से हैं? मानव शरीर के प्रमुख अंग कौन से हैं? तो नंबर एक, कोशिकाएं, नंबर दो, ऊतक, नंबर तीन, अंग, नंबर चार, अंग संस्थान या तंत्र। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मानव शरीर में 500 से अधिक अस्थियां होती हैं। अगला प्रश्न है, मानव ज्ञानेंद्रिय तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो मानव ज्ञानेंद्रिय तंत्र ये 5 प्रकार के होते हैं। इनके मुख्य भाग निम्नलिखित हैं, नंबर एक, घ्राणेंद्रिय, नंबर दो, स्वादेंद्रिय, नंबर तीन, दृष्टेंद्रिय, नंबर चार, श्रवणेंद्रिय, नंबर 5, स्पर्शेंद्रिय। अगला प्रश्न है, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ, ये 4 समूह होते हैं रक्त के। अगला प्रश्न, रक्त के विभिन्न अवयव कौन से हैं? तो रक्त के विभिन्न अवयव, नंबर एक, प्लाज्मा, नंबर दो, लाल रक्त कणिकाएं, नंबर तीन, श्वेत रक्त कणिकाएं, नंबर 4, प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न, जल के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो उत्तर है, जल के 3 मुख्य स्रोत होते हैं, नंबर एक, वर्षा का जल, नंबर दो, सतही जल, नंबर 3, भूमिगत जल। अगला प्रश्न है, जल शुद्धिकरण के प्रमुख 4 उपाय कौन से हैं? तो जल शुद्धिकरण के प्रमुख 4 उपाय, नंबर एक, उबालना, नंबर दो, वाटर प्यूरिफायर, नंबर 3, कीटाणु शोधन, नंबर 4, पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा। अगला प्रश्न है, टीबी किस जीवाणु या बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड शरीर के किस अंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? टाइफाइड शरीर के किस अंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? उत्तर है, आँत। इसका उत्तर है हाथ। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से होने वाले प्रमुख रोग कौन से हैं? विटामिन बी की कमी से होने वाले प्रमुख रोग बेरी बेरी एनीमिया, चर्म रोग इत्यादि हैं। बेरी बेरी एनीमिया, चर्म रोग इत्यादि हैं। प्रश्न नंबर 29, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 प्रमुख घटक कौन से होते हैं? तो उत्तर है, जैविक घटक एवं अजैविक घटक। प्रश्न नंबर 30, रक्तस्राव के 2 प्रकार कौन से होते हैं? तो रक्तस्राव के 2 प्रकार, नंबर 1, आंतरिक रक्तस्राव, नंबर 2, बाह्य रक्तस्राव। प्रश्न नंबर 31, बेहोशी के कोई 2 कारण लिखिए। तो बेहोशी के 2 कारण, नंबर 1, सिर में चोट लगने से, नंबर 2, दिल का दौरा पड़ने से। प्रश्न नंबर 32, जलने की स्थिति में घायल व्यक्ति को कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? जलने की स्थिति में
व्यक्ति को कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? उत्तर है मॉर्फिन का, उत्तर है मॉर्फिन का। प्रश्न नंबर 33, हाथ से दिए जाने वाले किन्हीं चार संकेतों को लिखिए। तो उत्तर है नंबर 1 आगे बढ़, नंबर 2 दौड़कर चल, नंबर 3 थम, नंबर 4 आक्रमण करो। प्रश्न नंबर 34, सिंगल फाइल फॉर्मेशन में बाजू किस ओर फैला होता है? सिंगल फाइल फॉर्मेशन में बाजू किस ओर फैला होता है? तो उत्तर है पीछे की ओर। प्रश्न नंबर 35, किन्हीं चार सेक्शन फॉर्मेशंस के नाम लिखिए। उत्तर है नंबर 1 सिंगल फाइल, नंबर 2 फाइल फॉर्मेशन, नंबर 3 डायमंड फॉर्मेशन, नंबर 4 एरोहेड फॉर्मेशन। प्रश्न नंबर 36, फायर आदेश के 3 प्रकारों के नाम लिखिए। नंबर 1 योजना आदेश, नंबर 2 फायर निर्देश आदेश, नंबर 3 फायर नियंत्रण आदेश। प्रश्न नंबर 37, रण कवायद की मूल विशेषताएं कौन सी हैं? उनके नाम बताइए। तो उनके नाम हैं नंबर 1 फायर और चाल, नंबर 2 परिबोधन, नंबर 3 आदेश। प्रश्न नंबर 38, दो प्रकार की पेट्रोल के नाम लिखिए। उत्तर है रैकी पेट्रोल, नंबर 2 प्रोटेक्टिव पेट्रोल्स। प्रश्न नंबर 39, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो उत्तर है 206। प्रश्न नंबर 40, प्रमुख पाचन अंग कौन से होते हैं? तो प्रमुख पाचन अंग नंबर 1 मुख, नंबर 2 ग्रसनी, नंबर 3 ग्रास नली, नंबर 4 अमाशय, नंबर 5 ग्रहणी, नंबर 6 छोटी व बड़ी आंत, नंबर 7 अग्न्याशय। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली प्रथम महिला हैं? उत्तर है जिनको ताबे। प्रश्न नंबर 2 है, नमक का दरोगा उपन्यास ने लिखा है? उत्तर है मुंशी प्रेमचंद ने। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर थे? उत्तर है सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान की सीमा का क्या नाम है? उत्तर है रेडक्लिफ लाइन। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है? तो उत्तर है हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है? उत्तर है सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की नियुक्त करता है। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। प्रश्न नंबर 8, फादर ऑफ कंप्यूटर को कहा जाता है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे विशाल रेगिस्तान है? तो विश्व का सबसे विशाल रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न, बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? उत्तर है औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तर है हेग में। अगला प्रश्न, WWW के आविष्कारक कौन हैं?
WWW के आविष्कारक कौन हैं? तो इसका उत्तर है टीम बर्नर्स ली। छत्रपति शिवाजी के घोड़े का क्या नाम था? तो छत्रपति शिवाजी के घोड़े का नाम मोती, विश्वास, रणवीर, गजरा, कुशड़ा, तुरंगी और इंद्रायणी था। अगला प्रश्न, भारत की सबसे चौड़ी नदी का नाम लिखो। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला प्रश्न, विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? उत्तर है CPU को। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय त्यौहार गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती है। तो अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय सरीसृप किंग कोबरा है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का फुल फॉर्म लिखें। तो फुल फॉर्म, ए नंबर, नासा का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ICU का फुल फॉर्म क्या है? इंटेंसिव केयर यूनिट। PMGY का फुल फॉर्म क्या है? तो PMGY का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है। PNR का फुल फॉर्म क्या है? तो PNR का फुल फॉर्म पैसेंजर नेम रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न, CAA का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट है। अगला प्रश्न, सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान में NCC का क्या सहयोग है? लिखो। उत्तर, नंबर 1, अभियान से संबंधित जानकारी एकत्र करना। नंबर 2, अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। नंबर 3, समाज के लोगों को सरकार के अभियान में रुचि पैदा करना। नंबर 4, लोगों को अभियान के बारे में अच्छे से समझा कर जागरूक करना। नंबर 5, लोगों को जागरूक करके समझाना। 23 नंबर क्वेश्चन, 7 सिस्टर राज्यों के नाम लिखो। उत्तर है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का नाम लिखें। तो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के नाम, ज्योति बीमा योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। अगला प्रश्न, कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? तो कागज का आविष्कार चीन देश ने किया था। गीतांजलि के कवि कौन हैं? तो गीतांजलि के कवि रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगला प्रश्न, चावल का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? तो चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहते हैं। अगला प्रश्न, कथकली किस राज्य का संस्कृत नृत्य है? तो कथकली केरल राज्य का संस्कृत नृत्य है।
अगला प्रश्न, उस काल्पनिक रेखा का नाम बताइए जो पृथ्वी को मध्य से विभाजित करती है। उत्तर है भूमध्य रेखा। जंतर मंतर कहाँ स्थित है? तो जंतर मंतर दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, BHU का फुल फॉर्म लिखें। तो BHU का फुल फॉर्म बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। अगला प्रश्न, IS का फुल फॉर्म लिखें। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न, UPS का फुल फॉर्म लिखें। तो यूनिटप्रेटेबल पावर सप्लाई। अगला प्रश्न, DSP का फुल फॉर्म लिखें। उत्तर है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। रुधिर परिसंचरण तंत्र के प्रमुख अंग कौन से हैं? उत्तर है नंबर एक हृदय, नंबर दो फेफड़े, नंबर तीन महाधमनी, नंबर चार धमनियाँ, नंबर पाँच सिराएँ, नंबर छः कोशिकाएँ। प्रश्न नंबर 42, स्वस्थ वयस्क के हृदय की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार होती है? तो स्वस्थ वयस्क के हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार होती है। प्रश्न नंबर 43, भोजन के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? उत्तर है नंबर एक कार्बोहाइड्रेट, नंबर दो प्रोटीन, नंबर तीन वसा, नंबर चार खनिज लवण, नंबर पाँच विटामिन, नंबर छः जल और शर्करा। प्रश्न नंबर 44, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? उत्तर है स्कर्वी। प्रश्न नंबर 45, हमारे शरीर में लगभग कितने प्रतिशत जल होता है? हमारे शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल होता है? तो हमारे शरीर में लगभग 70% जल होता है। प्रश्न नंबर 46, वायु द्वारा फैलने वाले किन्हीं चार रोगों के नाम लिखिए। तो वायु द्वारा फैलने वाले चार रोग, नंबर एक चेचक, नंबर दो खसरा, नंबर तीन निमोनिया, नंबर चार डिप्थीरिया। प्रश्न नंबर 47, किन्हीं दो एंटीसेप्टिक दवाइयों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है नंबर एक टिंक्चर, नंबर दो आयोडीन। प्रश्न नंबर 48, डायबिटीज़ रोग किसकी कमी से होता है? डायबिटीज़ रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका डायबिटीज़ रोग इंसुलिन की कमी से होता है। डायबिटीज़ रोग इंसुलिन की कमी से होता है। प्रश्न नंबर 49, शरीर में रक्त की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। तो शरीर में रक्त की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। नंबर 50, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो एड्स का है पूर्ण रूप एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। प्रश्न नंबर 51, एड्स रोग का एक प्रमुख कारण लिखिए। इसका उत्तर है HIV नामक वायरस का शरीर में संक्रमण हो जाना। प्रश्न नंबर 52, भारत के राष्ट्रीय गान के रचनाकार कौन थे? भारत के राष्ट्रीय गान के रचनाकार कौन थे? तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचनाकार रवींद्रनाथ टैगोर जी थे। प्रश्न नंबर 53, हमारे देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? हमारे देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 54, देश का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? उत्तर है केरल। प्रश्न नंबर 55, भारत के सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम लिखिए। तो भारत के सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम रवींद्रनाथ टैगोर है। प्रश्न नंबर 56, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था?
इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर है शहीद भगत सिंह। प्रश्न नंबर 57, भारत के सर्वप्रथम एयर मार्शल का नाम लिखिए। उत्तर है एयर मार्शल सर थॉमस एल्महर्स्ट। प्रश्न नंबर 58, राष्ट्रीय एकता में बाधक किन्हीं चार तत्वों के नाम लिखिए। तो राष्ट्रीय एकता में बाधक कोई चार तत्व, सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद और क्षेत्रीयता। प्रश्न नंबर 59, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। प्रश्न नंबर 60, प्रभावी नेता के किन्हीं चार गुणों को लिखिए। उत्तर है साहस, देश प्रेम की भावना, निर्णय लेने की क्षमता और कुशाग्र बुद्धि। दोस्तों प्रश्न नंबर 21 से आज शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 है, मानचित्रों पर दर्शाई जाने वाली किन्हीं दो जलीय आकृतियों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 21 क्या है, मानचित्रों पर दर्शाई जाने वाली किन्हीं दो जलीय आकृतियों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर है पक्का कुआं और नदी। प्रश्न नंबर 22, किन्हीं दो सैनिक सांकेतिक चिन्हों के नाम लिखिए। तो किन्हीं दो सैनिक सांकेतिक चिन्हों के नाम हैं सेक्शन और प्लाटून। प्रश्न नंबर 23, ढलान के दो प्रकार कौन से हैं? तो उत्तर है नियमित ढलान तथा अनियमित ढलान। प्रश्न नंबर 24, किन्हीं चार भू आकृतियों का उल्लेख कीजिए। तो चार भू आकृतियां हैं पहाड़ी, पर्वत, पठार और टीला। प्रश्न नंबर 25 है, सर्विस प्रोटेक्टर का मुख्य उपयोग क्या है? तो सर्विस प्रोटेक्टर का मुख्य उपयोग है, इसका प्रयोग मुख्यतः दिक्मान को खींचने और नापने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 26, बियरिंग या दिक्मान के दो प्रकार कौन से हैं? तो उत्तर है अग्रदिक्मान और पृष्ठ दिक्मान। प्रश्न नंबर 27, पर्यावरण प्रदूषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा रेडियोधर्मी किरण प्रदूषण। प्रश्न नंबर 28, वायु में कौन कौन सी गैसें होती हैं? उत्तर है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन, जलवाष्प इत्यादि। प्रश्न नंबर 29, पारिस्थितिकी तंत्र के दो प्रमुख घटक कौन से होते हैं? तो उत्तर है जैविक घटक एवं अजैविक घटक। प्रश्न नंबर 30, रक्त स्राव के दो प्रकार कौन से होते हैं? तो रक्त स्राव के दो प्रकार, नंबर 1 आंतरिक रक्त स्राव, नंबर 2 बाह्य रक्त स्राव। प्रश्न नंबर 31, बेहोशी के कोई दो कारण लिखिए। तो बेहोशी के दो कारण, नंबर 1 सिर में चोट लगने से, नंबर 2 दिल का दौरा पड़ने से। प्रश्न नंबर 32, जलने की स्थिति में घायल व्यक्ति को कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? जलने की स्थिति में व्यक्ति को कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? उत्तर है मॉर्फिन का। प्रश्न नंबर 33, हाथ से दिए जाने वाले किन्हीं चार संकेतों को लिखिए। तो उत्तर है नंबर 1 आगे बढ़, नंबर 2 दौड़कर चल, नंबर 3 थम, नंबर 4 आक्रमण करो। प्रश्न नंबर 34, सिंगल फाइल फॉर्मेशन में बाजू किस ओर फैला होता है? सिंगल फाइल फॉर्मेशन में बाजू किस ओर फैला होता है? तो उत्तर है पीछे की ओर। प्रश्न नंबर 35, किन्हीं चार सेक्शन फॉर्मेशंस के नाम लिखिए। उत्तर है नंबर 1 सिंगल फाइल, नंबर 2 फाइल फॉर्मेशन, नंबर 3 डायमंड फॉर्मेशन, नंबर 4 एरोहेड फॉर्मेशन। प्रश्न नंबर 36,
फायर आदेश की तीन प्रकारों के नाम लिखिए। नंबर एक योजना आदेश, नंबर दो फायर निर्देश आदेश, नंबर तीन फायर नियंत्रण आदेश। प्रश्न नंबर 37, रण कवायद की मूल विशेषताएं कौन सी हैं, उनके नाम बताइए। तो उनके नाम हैं नंबर एक फायर और चाल, नंबर दो परिबोधन, नंबर तीन आदेश। प्रश्न नंबर 38, दो प्रकार की पेट्रोल के नाम लिखिए। उत्तर है रैकी पेट्रोल, नंबर दो प्रोटेक्टिव पेट्रोल्स। प्रश्न नंबर 39, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, तो उत्तर है 206। प्रश्न नंबर 40, प्रमुख पाचन अंग कौन से होते हैं। तो प्रमुख पाचन अंग नंबर एक मुख, नंबर दो ग्रसनी, नंबर तीन ग्रास नली, नंबर चार अमाशय, नंबर पाँच ग्रहणी, नंबर छः छोटी व बड़ी आंत, नंबर सात अग्न्याशय। अगला प्रश्न है, बाल शोषण के प्रमुख चार प्रकार कौन से हैं। तो बाल शोषण के प्रमुख चार प्रकार कौन से हैं। नंबर एक शारीरिक शोषण, नंबर दो भावनात्मक शोषण, नंबर तीन यौन शोषण, नंबर चार सुविधाओं का अभाव। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के प्रमुख मार्ग कौन से हैं। मानव शरीर के प्रमुख अंग कौन से हैं। तो नंबर एक कोशिकाएं, नंबर दो ऊतक, नंबर तीन अंग, नंबर चार अंग संस्थान या तंत्र। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं। मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं। तो मानव शरीर में 500 से अधिक अस्थियां होती हैं। अगला प्रश्न है, मानव ज्ञानेंद्रिय तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो मानव ज्ञानेंद्रिय तंत्र ये 5 प्रकार के होते हैं। इनके मुख्य भाग निम्नलिखित हैं, नंबर एक घ्राणेंद्रिय, नंबर दो स्वादेंद्रिय, नंबर तीन दृष्टेंद्रिय, नंबर चार श्रवणेंद्रिय, नंबर पाँच स्पर्शेंद्रिय। अगला प्रश्न है, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं। तो रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं। रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, ए बी ए बी और ओ, ये 4 समूह होते हैं रक्त के। अगला प्रश्न, रक्त के विभिन्न अवयव कौन से हैं। तो रक्त के विभिन्न अवयव नंबर एक प्लाज्मा, नंबर दो लाल रक्त कणिकाएं, नंबर तीन श्वेत रक्त कणिकाएं, नंबर चार प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न, जल के मुख्य स्रोत क्या हैं। तो उत्तर है, जल के 3 मुख्य स्रोत होते हैं। नंबर एक वर्षा का जल, नंबर दो सतही जल, नंबर तीन भूमिगत जल। अगला प्रश्न है, जल शुद्धिकरण के प्रमुख 4 उपाय कौन से हैं। तो जल शुद्धिकरण के प्रमुख 4 उपाय, नंबर एक उबालना, नंबर दो वाटर प्यूरिफायर, नंबर तीन कीटाणु शोधन, नंबर चार पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा। अगला प्रश्न है, टीबी किस जीवाणु या बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड शरीर के किस अंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। टाइफाइड शरीर के किस अंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। उत्तर है आँत, इसका उत्तर है आँत। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से होने वाले प्रमुख रोग कौन से हैं। विटामिन बी की कमी से होने वाले प्रमुख रोग बेरी बेरी, एनीमिया, चर्म रोग
इत्यादि हैं, बेरी बेरी एनीमिया चर्म रोग इत्यादि हैं। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, अभी आप लोगों की सपोर्ट की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उस टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।